नेक्स्ट टैब हमारी पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब में होता क्या है, सबसे पहले पेज लेआउट टैब में क्लिक करिए। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, सबसे पहले इसके लिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अब पेज लेआउट टैब में जस्ट मैं थीम पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अलग अलग टाइप के डिजाइन आ गए यहाँ पे। इसके अलावा कलर्स, अगर जैसे मैंने कोई हेडिंग बनाई है, जैसे अगर मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट करके होम टैब में हेडिंग बनाई हो, या फिर कोई यहाँ पे शेप ली हुई हो, अगर यहाँ पे मैंने कोई शेप बना ली जैसे इस टाइप की कोई शेप, देन इसके ऊपर कलर कर देता हूँ। और जब मैं पेज लेआउट टैब पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये हेडिंग के साथ साथ मेरी शेप का कलर भी चेंज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है एंड देन इफेक्ट्स हैं एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन मार्जिन। मार्जिन मैंने आपको पहले ही बताया था, पेज के चारों तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़े हुए होते हैं। जैसे स्पेस को अगर नैरो करना है तो जस्ट मैक्स टू मैक्स टेक्स्ट डालने के लिए हम नैरो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कस्टमाइज मार्जिन करना है, जैसे मुझे 4x1 इंच का मार्जिन चाहिए तो जस्ट यहाँ पे 1x1 डाल दूंगा। एंड देन यहाँ पे गटर पोजीशन है, यहाँ पे गटर पोजीशन में 0.25 की रख रहा हूँ, जो कि बाइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे बाइंडिंग के लिए भी कुछ स्पेस यूज़ किया जाता है। इसकी लेफ्ट साइड में पोजीशन है। इसके बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मेरे को पेज पोर्ट्रेट रखना है। एंड देन मिरर पेजेस, जो कि जस्ट लाइक अगर यहाँ पे एक पेजेस है एंड देन दूसरी जगह यहाँ पे गटर पोजीशन है तो ये सही से बाइंड हो जाएगी। एंड देन ओके, तो इस टाइप से मैं अपने मार्जिन सेट कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे पेज की ओरिएंटेशन अगर मुझे चेंज करनी हो, लाइक अगर यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ। एंड देन पेज का साइज जो A4 यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन है, जैसे देखिए सेलेक्ट कीजिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। 2 में डिवाइड करूंगा 2 कॉलम्स, 3 में डिवाइड करूंगा 3, लेफ्ट एंड राइट, राइट साइड ज़्यादा स्पेस ले लेगा। सिंगल पे क्लिक किया तो अब इसको कॉलम में डिवाइड करने के लिए, जैसे मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, अगर जस्ट मैं सारा डाटा ये सारे इस कॉलम का सारा डाटा यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रेक में ऑप्शन में कॉलम ब्रेक का ऑप्शन आएगा, तो इस टाइप से मैं सारा डाटा कॉलम में ट्रांसफर कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे न्यू डाटा टाइप कर सकता हूँ एंड देन अगर मैं चाहता हूँ अपना नेक्स्ट टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करूँ, लाइक अब मेरे को जस्ट इस पूरी लाइन को कंबाइन करना है तो यहाँ पे जाके मैं कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करूंगा एंड देन कॉलम में जाके 1 पे। अब जब भी मैं कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो जस्ट मेरी 1 लाइन में आएगा पूरी लाइन, तो इस टाइप से मैं कॉलम को हटा भी सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे लाइन नंबर्स का ऑप्शन है, उसके लिए मेरी कुछ लाइन चाहिए होंगी तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे लाइन नंबर पे कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो जस्ट हर लाइन को कैलकुलेट करके मेरे को शो कर देगा। इसके अलावा रिस्टार्ट ईच पेज में, हर पेज से नई काउंटिंग स्टार्ट होगी एंड देन हाइपरटेशन, तो सबसे पहले लाइन नंबर को नन करते हैं। हाइपरटेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक, अब देखिए जैसे यहाँ पे गैलरीज पूरा कंटिन्यू नहीं हो रहा था तो जस्ट इसने GAL लिख के आगे गैलरीज पूरा कंटिन्यू कर दिया। तो इस टाइप से लाइक अगर हम इंसर्ट लाइक अब वर्ड कंटिन्यू नहीं हो रहा तो जैसे एक हाइपरटेशन का सिंबल डाल देगा एंड देन उस वर्ड को आगे कंटिन्यू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे हम वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वाटरमार्क है जैसे डू नॉट कॉपी का। इसके अलावा अगर हम इस वाटरमार्क को कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे अगर मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो पिक्चर, या फिर अगर मुझे टेक्स्ट चौक इंसर्ट करना है तो एमएस वर्ड, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंट करके अप्लाई, इसको अप्लाई करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से मेरा वाटरमार्क आ जाएगा, लेकिन इसका कलर मेरे को थोड़ा सा लाइट करना है तो इस टाइप से मैं वाटरमार्क को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क एंड देन अगर मुझे पेज का कलर चेंज करना है, लाइक मुझे ये पेज का कलर ये रखना है तो इस टाइप से मैं पेज का कलर एंड देन पेज की बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में जस्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं। इसके अलावा जैसे अगर मुझे लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन जैसा कि हमने होम टैब में इंडेंटेशन की थी, इनको हम रूलर की मदद से भी कर सकते हैं एंड देन राइट साइड से। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग है बिफोर और आफ्टर, तो जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं, आफ्टर को जैसे मैं 0 करता हूँ
तो ये देखिए स्पेसिंग कम हो गई। और देन जब मैं बिफोर और आफ्टर को दोनों को बढ़ाता हूँ, बिफोर एंड देन आफ्टर, तो इस टाइप से मैं दोनों साइड की स्पेसिंग मैनेज कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे जब मैंने शेप्स इंसर्ट करी हो तो जस्ट पेज लेआउट में जाके सबसे पहले पोजीशन कि पेज में मुझे इमेज कहाँ पे चाहिए, एंड देन अगर दो पेज एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज है तो देखिए ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, एंड देन टेक्स्ट टाइपिंग। जैसे देखिए अब ये शेप टेक्स्ट को छुपा रही है, तो जस्ट इस पर टेक्स्ट टाइपिंग पे क्लिक करूंगा स्क्वायर, तो जस्ट इस शेप के लिए पूरा स्क्वायर छोड़ देगा हमारा टेक्स्ट। एंड देन यहाँ पे अगर मैं टाइट कर देता हूँ तो जस्ट मिनिमम टू मिनिमम जितना स्पेस होगा। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, इस टाइप के टेक्स्ट टाइपिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे टॉप बॉटम, जस्ट टॉप पे आए एंड देन बॉटम में आए, तो इस टाइप से हम स्क्वायर को अप्लाई करके रख देते हैं। देन अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, जैसे मेरे को अगर सेंटर में चाहिए तो। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा शेप है तो जस्ट मैं उसको दोनों को कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा एंड देन ग्रुप, दोनों को मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ, एंड देन इन्हीं को सिलेक्ट करके अनग्रुप, एंड देन अनग्रुप हो जाएंगे ये। इसके अलावा इनको रोटेट, तो इस टाइप से मैं पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ।